प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले का भव्य आयोजन चल रहा है। पूरे माघ मेले में 6 स्नान पर्व हैं, जिसमें पांचवा स्नान पर्व 27 फरवरी को माघी पूर्णिमा का है। अब तक 4 मुख्य स्नान पर्व पर 5,000 से अधिक बसों का संचालन रोडवेज विभाग कर इसी माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के दिन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए रोडवेज विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। माघी पूर्णिमा के दिन रोडवेज विभाग 1,000 से अधिक बसों का संचालन करेगा, जिससे यात्री अपने जिले को लौट सकेंगे। माघी पूर्णिमा के दिन से ही कल्पवास का भी समापन हो जाता है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ सकती है। इसको लेकर रोडवेज पर भार बढ़ गया। प्रयागराज के ARM CB राम का कहना है, अब तक 9 लाख से अधिक यात्रियों को रोडवेज से उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया है। देश दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माघ मेला संगम तट पर लगा हुआ है और 4 मुख्य स्नान पर्व जो है वो बीत चुके हैं। अब माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है जो 27 फरवरी को है। ऐसे में रोडवेज की बात करें तो इस बार रोडवेज में तकरीबन 9 लाख से ज्यादा यात्री जो हैं वो मुख्य स्नान पर्व में यहां पर रोडवेज के माध्यम से आए हैं। हम मौजूद हैं सिविल लाइन पर अड्डे में, आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहां पर रोडवेज की जो बसें हैं वो यहां पर खड़ी हुई हैं। और अगर हम पूरे माघ मेले की बात करें, जब से माघ मेले की शुरुआत हुई है, मतलब कि 14 जनवरी से, तब से लगातार लोग जो हैं वो रोडवेज से सफर कर रहे हैं, क्योंकि रेलवेज में अभी कई गाड़ियां जो हैं वो संचालन उनका नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस बार श्रद्धालु भारी संख्या में रोडवेज से आ रहे हैं। इस बार माघ पूर्णिमा के स्नान पर क्या है रोडवेज की पूरी तैयारी, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ ARM साहब हैं, CB राम सर हैं। सर ये बताइए, माघी पूर्णिमा का एक स्नान पर्व है, बड़ा स्नान पर्व है, क्योंकि जो जितने भी यहाँ कल्पासी हैं वो वापस होंगे, कैसी तैयारियाँ और क्या क्या आपने तैयारियों में किया हुआ है? आपकी इस माघी पूर्णिमा के स्नान पर हम लोगों ने लगभग 1,000 बसों के संचालन का प्लान किया है। उसके अतिरिक्त भी हमारी लगभग 150-200 बसें स्पेयर में रहेंगी। हम ये मान के चलते हैं कि यात्री लोग माघी पूर्णिमा पर माघ मेले का कल्पवास का समय उनका समाप्त होगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर को जाएंगे। ऐसे में हम एक अतिरिक्त तैयारी भी किए हुए हैं कि अतिरिक्त बसों की ज़रूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। उसके अतिरिक्त हम कोरोना गाइडलाइन के सभी गाइड का निर्देशों का पालन करते हुए बसों का संचालन कराएंगे। बसों कराया जा रहा है और बसों को साफ सुथरा करके और उनको यात्री सुविधा प्रदान करते हुए जो हम लोग बस का संचालन करेंगे और पूरी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। सर 4 स्थान पर बीत चुके हैं, अब 5वां स्थान पर है। 4 स्थान पर्वों की बात करें तो कितने यहाँ यात्री जो है उन्होंने बस सेवा का उपयोग किया है? लगभग 8.5-9 लाख यात्री जो है मुख्य स्नान पर्वों पर यात्रा कर चुके हैं। आगे भी उम्मीद है कि मुझे लगभग 2-2.5 लाख यात्री मेरे बस से, परिवहन निगम की बस से यात्रा करेंगे, जिनको हम अच्छी से बेहतर सुविधा देने का पूरी प्लान किए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम यात्री के जो हमसे अपेक्षा करते हैं हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सर आगे सवाल है, माघी पूर्णिमा स्नान पर पे पूरी बस का कितना संचालन किया जाएगा, जो बाहर से भी आ रही हैं जो यहाँ की हैं, पूरी बस का कितना? पूरी बसें लगभग 1,000 बसों का संचालन का हम लोग प्लान किए हैं और इसके अतिरिक्त भी 200 बसें हम और भी स्पेयर के लिए भी रखे हुए हैं कि हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन यदि निकलें तो हम और बसें भी लगा लेंगे, जो क्योंकि माघ मेले का मुख्य समापन कल्पवास का समय है। जी। तो 27 फरवरी को मुख्य स्नान जो है वो पड़ रहा है माघी पूर्णिमा और उसके बाद से ही कल्पवास खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में रोडवेज में तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं और अधिकारियों का ये कहना है कि जिस तरीके से 4 मुख्य स्नान पर्वों पर रोडवेज ने तैयारी की है, वैसी ही तैयारी इस बार माघी पूर्णिमा में देखने को मिल रही है। विडल जर्नलिस्ट संकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिर रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।